Hello guys, welcome back in the next lecture of neuro anatomy, that is the ventricular system of brain. तो ये जो हमारा ventricular system है इसमें हमने क्या देखना है, जो हमारा ventricular system है इसमें जो कि है हमारे brain में cavities होती है, हमारे brain में क्या होती है cavities, जिनमें क्या होता है CSF, और इन्हीं cavities को हम ventricles कहते हैं। तो ये हमारे ब्रेन में चार होते हैं, जैसे राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स हुए, थर्ड वेंट्रिकल हुआ और फोर्थ वेंट्रिकल हुआ। जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टम का ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये जो यहाँ पर ये ब्लू सा दिख रहा है, पहले ये सभी ब्लू है लेकिन ये वाला जो दिख रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल। ये दो होते हैं, ये एक है दूसरा इसके पीछे है। ये दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में दो होते हैं, जैसे ये एक मान लो ऐसे होती है इसकी इन्फीरियर, ये इसका इन्फीरियर हॉर्न होता है और ये पोस्टीरियर हॉर्न होता है, और ये जो आगे होता है ये इसका एंटीरियर हॉर्न होता है, ये बॉडी होती है। ऐसे ये दो होते हैं, दो होते हैं, ये लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, ये राइट में। तो ये ऐसे होते हैं मिले हुए, बॉडी से मिलते हैं, ये इनका इन्फीरियर हॉर्न और यहाँ पोस्टीरियर हॉर्न, और ये हमारा एंटीरियर हॉर्न और ये बॉडी, बॉडी से आपस में मिलते हैं। तो यही मैं आपको दिखा रहा था, ये जो हमारा है ये लेटरल वेंट्रिकल है और इससे निकलता है थर्ड वेंट्रिकल, किसके थ्रू, थर्ड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल से मिलता है इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिन से, इसको हम दूसरा नाम कहते हैं फोरामिना मोनोरो, हम इसी को कहते हैं। तो फिर जो थर्ड वेंट्रिकल है ये कंटिन्यू होता है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है, और ये जो हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है इन दोनों को मिलाता है हमारा सेरेब्रल एक्वाडक्ट, इन दोनों को मिलाता है सेरेब्रल एक्वाडक्ट थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को मिलाता है, और ये आपको यहाँ पर एक डिप सा लग रहा है, इसको हम मीडियन अपर्चर कहते हैं। तो फिर नीचे कंटिन्यू होती है सेरेब्रल सेंट्रल कैनल। तो अब हम देख रहे हैं लेटरल वेंट्रिकल क्या होता है, लेटरल वेंट्रिकल क्या होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा पहले डायग्राम इसकी। ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल है, ये आपको दिख रहा होगा, इसके पार्ट्स एंटीरियर हॉर्न है, बॉडी है, पोस्टीरियर हॉर्न है और इन्फीरियर हॉर्न है, और यहाँ से निकलता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन या फोरामिना मोनोरो, हम इसी को कहते हैं। तो एंटीरियर हॉर्न हम कैसे देखते हैं, अगर हम इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन के थ्रू एक इमेजिनरी लाइन डालें, जैसे कि यहाँ पर मैंने डाली है, ये लाइन डाली है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन के थ्रू, वर्टिकली लाइन डाली है, तो एंटीरियर हॉर्न उसके आगे रहता है, और ये जो आगे पार्ट इसका है ये होता है फ्रंटल पार्ट ऑफ सेरिब्रल में, फ्रंटल पार्ट उसके फ्रंटल पार्ट में होता है ये। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़ के अब बताता हूँ। द लेटरल वेंट्रिकल्स आर टू इन नंबर, ईच सिचुएटेड इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ईच वेंट्रिकल इज सी शेप्ड, कंसिस्ट्स ऑफ ए सेंट्रल पार्ट विच गिव्स ऑफ थ्री एक्सटेंशंस कॉल्ड एंटीरियर पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर हॉर्न। ये जो बॉडी है इसको सेंट्रल पार्ट कहते हैं, ये देता है तीन प्रोजेक्शंस, आगे वाली एंटीरियर, पीछे वाली पोस्टीरियर और नीचे वाली इन्फीरियर, ऐसी ये दो होते हैं, दो लेटरल वेंट्रिकल्स ऐसी दोनों प्रोसेस देते हैं, और इससे फिर निकलता है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना फोरामिना मोनोरो, इसी का पार्ट होता है, इसी का प्रोजेक्शन होता है, लेकिन नीचे की ओर होता है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं एंटीरियर हॉर्न लाइज इन फ्रंट ऑफ एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू वर्टिकली, वर्टिकली पास होते कहाँ, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से, इट एक्सटेंड्स इन एंड टू द फ्रंट लोब। जैसे मैंने बताया जो एंटीरियर लोब है, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें वर्टिकली थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, तो उसके आगे रहता है एंटीरियर हॉर्न जो कि किस में होता है, फ्रंटल लोब में होता है। अब पोस्टीरियर हॉर्न एक्सटेंड इज बैकवर्ड्स इनटू द ऑक्सिपिटल लोब, पोस्टीरियर हॉर्न जो होता है वो ऑक्सिपिटल लोब में होता है, पीछे ऑक्सिपिटल लोब होता है। जैसे ये हमारा आगे एंटीरियर लोब आ रहा है तो ये पोस्टीरियर लोब आ रहा है ना, पोस्टीरियर लोब ऊपर, ये हमारा ऑक्सिपिटल लोब आ रहा है, वो ये बता रहा है पोस्टीरियर हॉर्न
कहाँ गया? अच्छा यहाँ, पोस्टीरियर हॉर्न एक्सटेंड बैकवर्ड्स इन टू द ऑक्सिपिटल लोब, इन्फीरियर हॉर्न रन डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स इन टू द टेम्पोरल लोब, ईच लिटरल वेंट्रिकल ओपन एंड टू द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू एन इंटर वेंट्रिकुलर फोरामिन और फोरामिन ऑफ मोनोरो, हम इसी को नाम देते हैं फोरामिन ऑफ मोनोरो। तो इसके बाद हम थर्ड वेंट्रिकल की बात करते हैं, आपको दिखा दूँ, ये हमारा थर्ड वेंट्रिकल आया, ये वाला, ये है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल हमारा ये है, ये साइड व्यू है। तो जो हमारा थर्ड वेंट्रिकल है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी बहुत। इट इज स्लिट लाइक मीडियन कैविटी सिचुएटेड बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट थैलामस। स्लिट लाइक मीडियन कैविटी होती है जो कि लेफ्ट में भी होती है और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में भी होती है, तो थैलामाई, लेफ्ट थैलामाई या राइट थैलामाई में होती है। तो इसके बाद जो दूसरा है, इट कंटिन्यूज ऑन ईदर साइड विद द लेटरल वेंट्रिकल्स थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इट कंटिन्यूज ऑन ईदर साइड विद द लेटरल वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल के साथ ही दोनों साइड कंटिन्यू होती है थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। दो लेटरल वेंट्रिकल को जो है ये कम्युनिकेट करते हैं थर्ड वेंट्रिकल के साथ थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन या फोरामिन ऑफ मोनोरो, हमने इसी का दूसरा नाम बताया था आपको। तो इसके बाद जो इन्फीरियर है, इन्फीरियरली अगर हम देखें कॉर्डियली नीचे से, इट कंटिन्यूज इनटू द सेरेब्रल एक्विडक्ट, एक्विडक्ट ऑफ साइलवियस हम उसी को कहते हैं। नीचे से अगर हम देखें ये वाला बता रहा, ये वाला, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट या फोरामिना साइलवियस, अच्छा ये कनेक्ट होता है फोर वेंट्रिकल के साथ, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ ये कनेक्ट होता है। अब फोर्थ वेंट्रिकल आपको बताते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा गाइज, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है, इसमें हमने बनाया है डायग्राम जो कि आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में ये हमारा सेरिबिलम है और ये जो है ये ब्लू पोर्शन, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ये ऊपर से आया हमारा सेरिब्रल एक्विडक्ट और ये नीचे फिर कंटिन्यू होती है सेंट्रल कैनल, और ये जो है ये हमारा यहाँ तक मिड ब्रेन होता है, फिर ये हमारा पोन्स होता है और फिर हमारा मेड्योला होता है, ये हमारा मेड्योला होता है नीचे, ये हमारा पोन्स, ये मेड्योला, ये हमारा सेरिबेलम होता है। तो ऐसे होता है हमारा ये साइड व्यू है किसका, फोर्थ वेंट्रिकल का, सेरिबेलम का और पोन्स मेड्यूला और मिड ब्रेन का। तो अब हम इसको देखते हैं पॉइंट वाइज, इट इज़ डायमंड शेप्ड, इट इज़ डायमंड शेप्ड स्पेस सिचुएटेड बिटवीन पोन्स एंड सेरिबेलम, आगे से पोन्स है पीछे सेरिबेलम है, इन दोनों के दरमियान होता है डायमंड शेप्ड, आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पर साइड व्यू है इसलिए पूरा नहीं दिख रहा है। इट इज़ डायमंड शेप्ड स्पेस सिचुएटेड बिटवीन पोन्स एंड सेरेबिलम, कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल इज कॉन्टिन्यूस सुपीरियरली विद सेरेब्रल एक्विडक्ट एंड इन्फीरियरली विद सेंट्रल कैनल, ऊपर से जो आता है ये हमारा सेरेब्रल या सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट है जो ऊपर से हमारा आता है इसमें, और नीचे से जो जाता है ये हमारा सेंट्रल कैनल फिर कंटिन्यू होता है, सेंट्रल कैनल। तो ये इसने यहाँ पर बताया, इट कम्युनिकेट्स विद द सब आर्कनॉइड स्पेस थ्रू थ्री एपर्चर्स, जो हमारा सब आर्कनॉइड स्पेस होती है, मैंने पढ़ाया था अगर आपने देखा होगा, मेनिंजेस ऑफ ब्रेन, मेनिंजेस ऑफ सीएनएस हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर नहीं देखा होगा तो चैनल पे अवेलेबल है देख लेना। इसके तीन अपर्चर्स होते हैं जिनके थ्रू ये सब ऑर्गेनॉइड स्पेस से कम्युनिकेट करता है, जिसकी वजह से इसमें से सीएसएफ बाहर जाता है,
सीएसएफ की सर्कुलेशन होती है। तो जो पहला वाला है उसको हम कहते हैं, जो मीडियन अपर्चर होता है उसको हम कहते हैं फोरामिना मैजेंडी, यहाँ पर वो आपको नहीं दिखेंगे, उसको हम कहते हैं फोरामिना मैजेंडी। और दो लेटरल होते हैं, लेटरल अपर्चर, जिनको हम कहते हैं फोरामिना लुश्का, फोरामिना लुश्का। एक होता है हमारा फोरामिना मैजेंडी और दो होते हैं फोरामिना लुश्का, जो होते हैं ये दो होते हैं लेटरल होते हैं, ये दो लेटरल होते हैं। और जो सीएसएफ हमारा होता है ये एंटर होता है सब अर्कनॉइड स्पेस में थ्रू दीज फोरामिन, इन्हीं के थ्रू ये हमारा सब अर्कनॉइड स्पेस में सीएसएफ आता है वेंट्रिकल से, वेंट्रिकुलर सीएसएफ होता है वो असल में। तो फोर्थ वेंट्रिकल हैज़ ए फ्लोर कॉल्ड द रोम्बॉइड फोसा, इसका फ्लोर होता है जिसका हम रोम्बॉइड फोसा कहते हैं, काइट शेप्ड होता है, रोम्बॉइड फोसा कहते हैं इसके फ्लोर को। और जो इसका रूफ होता है, और इसका रूफ होता है, एक फ्लोर होता है जो कि रोम्बॉइड शेप्ड होता है रोम्बॉइड फोसा जैसा, और क्या होता है इसका रूफ होता है। जो फ्लोर होता है वो रिलेटेड होता है इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स लाइक वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई या वैगल एंड हाइपोग्लोसल न्यूक्लियाई, फेशियल कॉलिक्यूलस एडसेट्रा। जो इसका फ्लोर होता है वो रिलेट होता है किसके लिए, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमारा वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई हुआ या वैगल एंड हाइपोग्लोसल न्यूक्लियाई हुआ, फेशियल कॉलिक्यूलस एडसेट्रा। तो ये असल में इम्पोर्टेंट है, ये इसका मोटर एरियाज होते हैं, इसमें फ्लोर में मोटर एरियाज होते हैं किसके लिए, वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियाई के लिए, वैगल एंड हाइपोग्लोसल एंड फेशियल कॉलिक्यूलस। तो ये हमारा था आज का वेंट्रिकुलर सिस्टम जो हमने पढ़ना था। वेंट्रिकुलर सिस्टम अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना वीडियो को, और इसके बाद हम क्या पढ़े वो कमेंट में बता देना। तो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।